जैसे जो बात की उसमें पिछली शिबिरों की और हम जो पठन कर रहे हैं उससे जो सूचना मिली और इससे जो सूचना मिली तो उसकी एक सूत्रता बन रही है कि कहीं पर भी अब विरोध नहीं है, उसमें एक लिंक बिठ रही है अपने अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये पहचान में आ रहा है तो क्रिया के रूप में वो क्या है, ये वो यही चीज़ है कि अभी संबंध को जैसे पहचानना है, विश्वास को पहचानना है, तो वो पहचानने के रूप में क्या क्रिया है? यही पहचानना है कि संबंध के बिना नहीं है। मानव संबंध के बिना है क्या? किसी भी मानव का जन्म संबंध के बिना है क्या? मानव के अंदर संपूर्ण क्रियाकलाप संबंध के बिना है क्या? तो अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में परम संबंध है और मानव के रूप में संबंध का अभिव्यक्ति है। मानव जो है सह अस्तित्व का प्रतिरूप है, तो इसलिए संबंध ही अभिव्यक्त हो रहा है। मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप से अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व परम संबंध है। ये परम संबंध ही उसके व्यवहार और कार्य से अभिव्यक्त होता है। यदि वो होता है उसी का नाम प्रमाण है, जिसको हम प्रमाण कहते हैं। उसको हम पहचानते हैं, उसके साथ जीते हैं तो सुख है। यदि हम उसके साथ सह अस्तित्व के साथ नहीं जीते हैं तो दुख है। और सह अस्तित्व के साथ नहीं जीने का ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। भ्रम बस हम कोशिश करते हैं, हम भ्रम बस कोशिश करते हैं कि हम अकेले जी लें, इतना ही है। और सफल नहीं होते, इसलिए अकेले जीने की कोई परंपरा नहीं है मानव जाति में। कई लोग भ्रम बस अकेले जीने की कोशिश करते हैं, उसमें वो सफल नहीं होते, दुखी होते हैं। और दुख पुनः अस्तित्व सहज है, क्योंकि वो फिर से आपको सुख की ओर धकेलता है। यदि दुख नहीं होता तो हम भ्रम में बने रहते। तो इसलिए दुख भी पूरक है। इसके लिए भी तो सूत्र दिया है ना, श्रम के क्षोभ के बराबर विश्राम की तृषा है। श्रम का क्षोभ ही नहीं होगा तो विश्राम की तृषा यानी प्यासी पैदा नहीं होगी। जब संबंध स्टार्ट करते हैं तो उसमें आता है कि जीवन का जीवन के साथ संबंध है, मीन संबंध है ही, सिर्फ पहचानना है। तो उसमें ऐसा क्यों लिखा है जीवन का जीवन के, क्योंकि सभी चीज़ें संपृक्त हैं, जड़ भी संपृक्त है, जीवन भी सब संपृक्त ही है, तो ऐसा क्यों लिखा है जीवन का जीवन के साथ संबंध है? तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं पढ़ा, आपने किसी शिविर में सुना है? शिविर में सुना है, किसी ने समझाने के अर्थ में बोला होगा। देखिए क्या है, क्या चीज, इसको यदि हम समझें तो हम कह रहे हैं कि अस्तित्व जो है, अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व है ना। सह अस्तित्व क्या है? तो व्यापक वस्तु जिसको हम सत्ता कह रहे हैं ना,
प्लस प्रकृति जो जड़ और चेतन है, नित्य संबंध में इसीलिए ये परम संबंध है। अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में परम संबंध है ना। इसको हम कैसे देखेंगे? तो प्रकृति और प्रकृति संबंध है, ठीक है। फिर मानव और प्रकृति संबंध है, फिर मानव प्लस मानव संबंध है, और इसके बाद व्यापक वस्तु प्लस प्रकृति संबंध। संबंध इतने ही है बस, कुल संबंध इतने ही, कुल संबंध कितने है ना। ऑप्शन में अपन देखें, प्रकृति प्रकृति संबंध जो है वो किस कैसे है? प्रकृति प्रकृति संबंध जो है वो नियम में है, प्रकृति मानव संबंध धर्म में है, मानव मानव संबंध न्याय में है, और व्यापक सत्य सत्य में। नियम न्याय धर्म सत्य ही व्यापक है। इसीलिए ये कहा गया है नियम नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही सह अस्तित्व। सह अस्तित्व ही ये नियम। ऐसा बोला